सूरजपुर में FCI में चावल जमा नहीं होने के मामले को लेकर खाद्य विभाग और जिला वितरण विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में धान और चावल जब्ती किया है। दरअसल कल देर शाम खाद्य और वितरण विभाग ने कमलपुर और नैनपुर स्थित राइस मिल पर छापा मारा, जिसमें कस्टम मिलिंग के लिए उठाव किए गए धान के अनुपात में चावल जमा नहीं किए जाने के मामले को लेकर मिलरों के गोदामों में भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान कमलपुर स्थित भगवती इंडस्ट्रीज राइस मिल में 803 क्विंटल चावल और 800 क्विंटल धान, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है, जिसको जब्त कर मिल संचालक आशीष केडिया को सौंप दिया गया है। वहीं नैनपुर इलाके में विशाल एग्रो में भी 318 क्विंटल चावल और 40 क्विंटल धान, जिसकी कीमत लगभग 13 लाख रुपए है, उसको भी जब्त कर मिल के संचालक राजेश अग्रवाल को सुपुर्द कर दिया गया है। इसके साथ ही दोनों मिलरों पर कार्रवाई जारी है। दोनों राइस मिलरों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों मिलरों पर कार्रवाई जारी है। दोनों राइस मिलरों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, हम जो है जिले के राइस मिलर्स को FCI में चावल जमा करने के लिए लगातार निर्देश दे रहे हैं। जैसे कौन कौन राइस मिलर उस पर अमल कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि दो राइस मिल, एक विशाल एग्रो है, लगभग वो 125 दिन से चावल जमा नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर हमने जाके भौतिक सत्यापन किया। तो हमको 218 क्विंटल चावल जो वहाँ पर प्राप्त हुआ, तो उसमें जब्ती की कार्रवाई किए हैं, क्योंकि उनके द्वारा, और हमको निर्देश भी दिया गया कि वो जल्दी जल्दी अपना बाकी जो चावल है वो जमा करें। इसके साथ ही भगवती राइस मिल को भी देखा गया कि वो भी 55 दिनों से चावल नहीं जमा कर रहे थे। तो इन दोनों मिलर को ये हमारा कहना है कि जल्दी से जल्दी इन लोग अपना जो बैलेंस चावल है वो जमा करें। तो भगवती राइस मिल में हमने 800 क्विंटल धान और 800 क्विंटल चावल का जब्ती बनाया है। देखिए, अब सारे मिलर्स को हम निर्देशित कर दिए हैं कि ये अपना जो बचा जो चावल है, लगभग 8000 टन चावल बचा है हमारा FCI में जमा करने के लिए, तो ये जो चावल है ये 15 सितंबर तक के एनी हाउ इन लोग जमा करें, और अगर ये जमा नहीं करते पाए जाएंगे तो निरंतर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।